एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी सारी कलेक्शन, जो कि हर एक ब्राइड के पास तो जरूर होना चाहिए। आप जानते हैं वेडिंग सीरीज से रिलेटेड मैं सारे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो वेडिंग से ही रिलेटेड है मेरा ये सारी कलेक्शन। वैसे तो बहुत सारी साड़ियां हैं, लेकिन एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि मैं आपसे सारी साड़ियां शेयर करूं। सो मैं यहां पर आपसे सिर्फ लेटेस्ट है, जो मेरी फेवरेट साड़ियां हैं वही मैं आज आपसे शेयर करूंगी आज के इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो साड़ी है वो है सिल्क साड़ी, चंदेरी सिल्क साड़ी। ये है चंदेरी सिल्क साड़ी जो कि मैंने ली थी इलानिक से। पूरी साड़ी का जो कलर है वो है ऑफ व्हाइट, और एलिफेंट की कढ़ाई मिल जाएगी जो कि कुछ इस तरह की है। और ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट साड़ी। और ये है साड़ी का ब्लाउज जो कि बहुत ही प्रिटी है। तो ये जो साड़ी है इसकी मैंने सेपरेट रिव्यू वीडियो की हुई है मेरे चैनल पे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप नहीं देखी है तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, और अगर ये साड़ी पसंद आती है तो जरूर बाय कीजिए, जो कि है इलानिक.com से। तो अगली जो मेरी साड़ी है ये है पार्टी वेयर साड़ी। ये भी सिल्क की साड़ी है बट ये पार्टी वेयर है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाई वो सिंपल आप रेगुलर वेयर के लिए यूज कर सकते हैं, बट इस टाइप की एक सिल्क की साड़ी अपने कलेक्शन में जरूर रख। तो सिल्क कलेक्शन में ये वन ऑफ माय फेवरेट साड़ी है। तो ये कुछ इस तरह की साड़ी है। आपको यहाँ बॉर्डर मिलेगा, यहाँ ग्रीन कलर का कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर दिया है, और फ्रंट में आपको यहाँ पर गोल्डन कलर के वर्क किए हुए हैं, जो कि हाफ वर्क यहाँ से यहाँ तक गोल्डन कलर में वर्क किया है। और पूरी साड़ी, पूरा जो साड़ी है वो प्लेन ही है। इसका जो ब्लाउज है मैंने बहुत अच्छे से स्टिच करवाया है। बहुत जल्दी मैं इसकी वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो अगर आपको देखनी है तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ना, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप मेरी ये वीडियो मिस ना कर सके। तो ये है मेरी फेवरेट साड़ी। नेक्स्ट जो मेरी साड़ी है वो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है और इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, एक तो जरूर बाय कीजिए। ये साड़ी मैंने लास्ट ईयर एग्जीबिशन से परचेज की थी, जो मैंने अपने शॉपिंग कलेक्शन की वीडियो में आपसे शेयर की। ये प्योर लिनन की साड़ी है, बहुत ही प्रिटी कलर है। आप देखेंगे तो ये कलर जो है इसमें ड्यूअल कलर है। फ्रंट आपको ये पूरी साड़ी में ऑरेंज कलर मिलेगा, और पल्लू जो है वो पिंक कलर का है। इसका जो पल्लू है, पल्लू में देखिए टैसल्स लगे हुए हैं अलग अलग कलर्स के, तो ये मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। उसका जो पल्लू का पार्ट है वहां पर आपको ऐसे सिल्वर बॉर्डर मिलेंगे, और जो पूरी साड़ी का जो पार्ट है उसमें आपको ऐसे गोल्डन बॉर्डर मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट फैशन चल रहा है इस वक्त लिनन साड़ियों का। देखेंगे तो फ्लोरल में बहुत ज्यादा लिनन की साड़ियां चल रही हैं, सिंपल बॉर्डर्स में चल रही हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल लिनन की साड़ियां हैं, और इस तरह के टैसल्स को यूज करके बनाई गई है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही यूनिक क्लासिक लगती है ये साड़ियां, तो एक अपने कलेक्शन में जरूर रखिए। अगली जो मेरी साड़ी है वो भी लिनन कॉटन साड़ी है, जो कि बहुत सिंपल है। अगर आप एकदम सिंपल और स्टाइलिश लुक चाहते हैं तो आप ये साड़ी जरूर खरीदिए, जो कि बहुत ही सिंपल है और लिनन कॉटन की ये साड़ी है। तो इसकी मैंने सेपरेट एक वीडियो की है, मेरी पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने सिंपल और स्टाइलिश लुक क्रिएट किया है ये साड़ी को यूज करके, तो जरूर देखिएगा। ये साड़ी जो है इसे ऑलरेडी, ये पूरी साड़ी जो है लिनन कॉटन साड़ी है, बहुत ही अच्छा कॉटन है, और फर्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट से कोई कपड़े अच्छे आए। मैंने ट्राई किया था इस पे सिल्वर ब्लाउज यूज करने का, बट सिल्वर ब्लाउज मुझे नहीं मिला। सेम जो कलर है सिल्वर ब्लाउज का वो मुझे नहीं मिला, सो मैंने साड़ी के ही कलर का जो ब्लाउज था उसे स्टिच करवाया है। अगर आप इमेज में देख रहे होंगे तो मुझे जरूर बताइएगा इसका जो ब्लाउज का डिजाइन है वो कैसा लगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लाउज कलेक्शन की वीडियो बनाऊं, ब्लाउज को मैंने किस तरह से स्टिच करवाया है, कैसे डिजाइन करवाई है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके लिए सेपरेट ब्लाउज कलेक्शन की वीडियो शेयर करूंगी, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि अगर आप ब्राइड टू बी हैं तो आप किस तरह से ब्लाउज स्टिच करवाएं, तो मैं शेयर जरूर करूंगी। तो ये है सिंपल सी कॉटन लिनन, तो ये है सिंपल पाटली पल्लू वाली साड़ी जो कि बहुत ही स्टाइलिश है। तो ये पोस्टर में आप देख सकते हैं इसका लुक कैसा है। अब मैं आपको इसकी साड़ी दिखाती हूँ। इसका जो मटेरियल है बहुत ही अच्छा मटेरियल है, सिंपल है बट बहुत ही स्टाइलिश है।
बहुत डिफरेंट स्टाइल में मैं ब्लाउज स्टिच करवाती हूँ अपने, मैं खुद का डिजाइन देती हूँ और जो मुझे पसंद आता है, जो लेटेस्ट होता है, मैं वही डिजाइन देती हूँ। तो मेरी साड़ी जो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लाउज की वजह। अभी तक मैंने इस साड़ी को स्टिच नहीं करवाया है, ये बहुत ही सिंपल है, बट बहुत जल्द स्टिच करवाऊंगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी कि सिंपल साड़ियों को भी आप किस तरह से एकदम यूनिक बना सकते हैं, एकदम स्टाइलिश पार्टी वेयर बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्लाउज की डिजाइन के वजह से। तो सेपरेट वीडियो जरूर करूंगी। और ये जो साड़ी आप देख रहे हैं इसका मटेरियल कुछ ऐसा है, यहाँ पे बॉर्डर्स जो है, ये बॉर्डर आपको, यहाँ गोल्डन लेस है, यहाँ पर वेलवेट की लेस है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पल्लू का पार्ट है। दो शेड में ये साड़ी है, बैक साइड में आप देखेंगे तो थोड़ा डार्क ब्राउन है और इस साइड आप देखेंगे तो थोड़ा लाइट ब्राउन है। ये साड़ी बहुत ही ज्यादा प्रिटी है और ब्लाउज स्टिच करवाने के बाद तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। ये सिंपल साड़ियों में मेरी वन ऑफ फेवरेट साड़ी है, तो आपको कैसी लगी मुझे जरूर। नेक्स्ट जो मेरी पाटली पल्लू की साड़ी है वो है ये पार्टी वेयर साड़ी। मैंने 3 साल पहले पहना था एक वेडिंग में और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था ये कहाँ से ली, इसका ब्लाउज कैसे स्टिच करवाया। बहुत ही प्रिटी साड़ी है, ये पाटली पल्लू की साड़ी है। ये साड़ी में आपको ऐसे बॉर्डर मिलेंगे, पूरी साड़ी में आपको ये बॉर्डर मिल जाएगा जो कि कॉन्ट्रास्टिंग बॉर्डर है रेड कलर के साथ ग्रीन, और साड़ी जो है वो पीच पिंक कलर की है और जो इसका पाटली कलर है वो है बेज कलर। तो अंदर से साड़ी बेज कलर की है जिसके ऊपर इस तरीके का पैच वर्क किया है। मैं मेरी फ्रेंड की एक वेडिंग में मैंने इसे वेयर किया तो बहुत ही प्रिटी लग रही थी। इसका जो ब्लाउज है मैंने बहुत ही यूनिक तरीके से सिलाया है तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी और वेडिंग के लिए तो ऐसी साड़ियां जरूर होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरी ब्राइडल कलेक्शन के पास होनी चाहिए, अगर आप ब्राइड टू बी हैं तो आप इस तरह की साड़ियां जरूर खरीदें। जिनमें से सबसे पहले जो मेरी साड़ी है वो है ये पेपर सिल्क। तो ये है पेपर सिल्क की साड़ी, इसे मैंने लास्ट ईयर एनुअल फंक्शन में पहनी थी और बहुत पसंद किया था लोगों ने। इसमें कट वर्क का बॉर्डर किया है और ये जो पूरा मटेरियल है ये शिमरी शाइनिंग मटेरियल, ये पेपर सिल्क है और शाइनिंग मटेरियल है जिसमें पूरी साड़ी में आपको ऐसे बॉर्डर मिलेगा, पूरी साड़ी में आपको ये बॉर्डर मिल जाएगा। और इसका जो पल्लू है वो ये है साड़ी, और इस तरह की एक साड़ी अपने कलेक्शन में जरूर रखिए अगर आपकी शादी होने वाली है या आप ब्राइड टू बी हैं, जो कि कलर में बहुत ज्यादा लाइट हो बट बहुत ही ब्राइट हो पहनने के बाद। नेक्स्ट जो मेरी साड़ी है वो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है और ये है पाटली पल्लू में पैच वर्क की साड़ी। तो इस तरह का एक साड़ी अपने कलेक्शन में जरूर रखिए। ये साड़ी मैंने कुछ 3.5 में खरीदी थी, वर्थ है, इसको 5 साल तो कम से कम हो चुका है बट आप इसका फिनिशिंग देखेंगे और आप इसका जो वर्क है वो देखेंगे तो बहुत ही प्रिटी लग रहा है और आज भी नया है। इसके जो बॉर्डर है वो वेलवेट के बॉर्डर है और ऐसे साइड में वर्क किया है। तो इस तरह का एक कलेक्शन अपने पास जरूर रखिए, ये मेरी फेवरेट है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डार्क ब्लू कलर है जिसके ऊपर ये गोल्डन से वर्क किया है जो बहुत ही प्रिटी है और ब्राइड के लिए तो मस्ट हैव है ये साड़ी। ब्राइड बनने वाले हैं तो आपके पास इस तरह का एक कलेक्शन तो जरूर होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और ये हमेशा रनिंग रहेगी। इसका जो फैशन है वो कभी भी नहीं कम होता, ये हमेशा रनिंग रहती है और आप इसे कभी भी यूज कर सकते हैं पार्टी वेयर वेडिंग्स में। सो ये जो साड़ी आप देख रहे हैं ये पेपर सिल्क की है जिसके ऊपर ये गोल्डन का वर्क किया है और पूरी साड़ी में आपको ये मिलेगा। इस साड़ी का जो ब्लाउज है वो ब्लू कलर का है बट मैंने इसे कॉन्ट्रास्टिंग गोल्डन कलर की ब्लाउज के साथ यूज किया है। यह आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट एंड लास्ट साड़ी, अगर आप ब्राइड हैं तो रेड कलर तो आपके पास जरूर होना चाहिए क्योंकि रेड जो कलर है वो हर एक ओकेजन्स में आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही प्रिटी लगता है। साड़ी आप देख रहे हैं ये गिफ्टेड साड़ी है तो इसकी प्राइस एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है बट बहुत ज्यादा प्रिटी है ये साड़ी। आपको पूरे बॉर्डर, पूरे साड़ी में आपको ऐसे बॉर्डर मिल जाती, वेरिएशन होते हैं रेड कलर में जैसे कि गाजरी कलर, टोमेटो रेड कलर,
फिर ये डार्क रेड कलर, तो आपके पास एक रेड कलर तो जरूर होना चाहिए कलेक्शन में, ताकि आप वेडिंग्स में जा रहे हैं या पार्टीज में जा रहे हैं या आपकी खुद की शादी है या फिर आपकी शादी हो चुकी है, आप न्यूली मैरिड हैं, तो आपके पास ये एक रेड कलर की साड़ी तो जरूर होनी चाहिए। तो ये बहुत ही प्रिटी है और मेरी फेवरेट है, बट ये बहुत टाइम से खरीदी है मैंने, अभी तक इसे यूज नहीं की। रेगुलर कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहिए, स्टोरीज चेक करते रहिए, आपको मेरी सारी कलेक्शंस की भी आपको पोस्ट मिलती रहेगी या फिर वीडियोस मिलती रहेगी। तो ये साड़ीज मैंने अभी तक आपसे शेयर की, ये सारी मेरी फेवरेट्स हैं। कुछ मैंने लेटेस्ट अभी परचेज किया है और कुछ मैंने कुछ सालों पहले परचेज की थी, बट जितने भी मेरी फेवरेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर आपको इनमें से कोई पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको आईडी मिल जाएगी जहां पर मैं लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करती हूं। तो वीडियो आने से पहले आपको पोस्ट वहां पर मिल जाएगी कि कौन सी वीडियो आपको मिलने वाली है। इस संडे मैं आपसे एक स्पेशल वीडियो शेयर करने वाली हूँ, मेरी लिनन जूट साड़ी जो मैंने खरीदी थी अमेजोन से। बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि मैं उसकी वीडियो शेयर करूँ, उसकी ब्लाउज स्टिचिंग शेयर करूँ, वो वीडियो मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट और वीडियो मिस ना करें, और अगर पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।